अगर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर आ रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में आप सभी को श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी, मेडिकल रजिस्ट्रेशन कब से शुरू करें, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा में कितना खर्चा आएगा, और वहीं अमरनाथ जी यात्रा बालटाल रूट से करें या पहलगाम रूट से करें, पहलगाम से कितनी दूरी है और बालटाल से कितनी दूरी है, साथ ही साथ आप सबको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो की मदद से देने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारी डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। सभी तीर्थ यात्रियों का श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप भी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी यह है कि अमरनाथ जी यात्रा कब से शुरू होगी। आप सभी तीर्थ यात्रियों को बताना चाहेंगे, जितने भी तीर्थ यात्री श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पर आने के इच्छुक हैं, आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यह है कि अमरनाथ जी यात्रा 2023 की जो है जून एंडिंग वीक या फिर जुलाई स्टार्टिंग वीक से शुरू होने की पूरी तरह से संभावना है, और इस वर्ष की यात्रा जो है वो पूरे 2 महीनों चलने की आस है। आप सभी को बताना चाहेंगे, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कब तक इसकी डेट्स आएंगी, पर आप सभी को बताना चाहेंगे जून एंडिंग वीक और जुलाई स्टार्टिंग वीक से शुरू होने की पूरी तरह से संभावना है। और वहीं यात्रा के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, और वहीं मेडिकल भी जल्द इसके शुरू होने की संभावना है। अगर आप इसका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट दे दूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अमरनाथ जी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे आएं, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। सबसे पहले आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन और मेडिकल की फैसिलिटीज देखने को मिलती है कि किस तरह से इसका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाएं। मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं हर राज्य के डॉक्टर चिकित्साओं के पास की जाती है, और जितनी भी स्टेट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती है। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो आप हर हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। आप सबसे पहले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको PDF टाइप मिलेगा, उसमें अपने हॉस्पिटल का नाम चेक करेंगे और उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन अपना मेडिकल करवाएंगे उस डॉक्टर के पास, ठीक है। उसके बाद बैंक ब्रांचेस का भी नाम दिया होगा, PNB बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और साथ ही साथ आप सभी के लिए यस बैंक की शाखाओं में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्टेट बैंक की भी शाखाओं में पिछले वर्ष से रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया गया है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे अमरनाथ जी यात्रा पर आने के लिए जो बेस्ट रूट है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। पहलगाम एंड बालटाल दो रूट से, इसके पहलगाम वाला जो रूट है वो अनंतनाग जिले में है और दूसरा जो बालटाल वाला है वो गांदरबल में है, ठीक है, जो सोनामर्ग से होकर जाता है। पहलगाम से आपको पवित्र गुफा की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है, ठीक है, जो आपको पैदल होकर चलनी है। पहलगाम से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेस कैंप जो है वो पहलगाम नुनवान में बनाया गया है, जहां पर आने वाले तीर्थ यात्री पूरी तरह से रुकते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप रुकना चाहते हैं पहलगाम तो आप बेस कैंप में भी रुक सकते हैं, अन्यथा आप होटल्स में भी रुक सकते हैं। आप शाम को रुकने के बाद सुबह चंदनवाड़ी की ओर रवाना किया जाएगा पूरे यात्रा मार्ग पर जत्थे को, ठीक है। जो यात्रा मार्ग का पूरा जत्था रवाना किया जाएगा चंदनवाड़ी पर, वहां पर आपकी चेकिंग होगी, जैसे कि RFID कार्ड्स, आपका यात्रा परमिट, ठीक है। यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बैंक से प्राप्त होता है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वेबसाइट से प्राप्त होता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की, ठीक है। ये कैसे होगा ये मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, और रजिस्ट्रेशन मेडिकल से रिलेटेड जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको इसका कुछ पता नहीं चल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोज को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको चंदनवाड़ी जो चेक पोस्ट है उस पर चेकिंग करने के बाद आगे की ओर भेजा जाता है। आपको चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के आगे पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागिन टॉप और शेषनाग जैसे पड़ाव मिलते हैं। शेषनाग पड़ाव पर आपको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि शेषनाग में पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं रुकने की। अगर आप 2 बजे से पहले शेषनाग को क्रॉस करते हैं तो आपको पंचतरणी की ओर रवाना किया जाता है, अन्यथा आपको शेषनाग में ही रुकना पड़ता है। शेषनाग की दूरी 12 से 14 किलोमीटर की है, जो चंदनवाड़ी से है। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक जो रूट है उस पर गाड़ी से चला जाता है, ठीक है। आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी गाड़ी से छोड़ेंगे,
जिसका डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और किराया जो है वो 150 रुपए, ठीक है। इसके बाद आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप शेषनाग में पहुंचते हैं तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं रात्रि समय में रुकने के लिए, चिकित्साओं से लेकर हर प्रकार की, ठीक है। लंगर पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं, भंडारे वाले पूरे तीर्थ यात्रु को निःशुल्क खाना देते हैं। साथ ही शेषनाग से आगे का रास्ता जो है वो गणेश टॉप तक खड़ा है और जिसमें कि आपको सांस फूलने के आसार दिखाई देंगे। इसके बाद वहां से बिल्कुल ढलान है जो कि पोषपत्री और पंचतरणी के बीच का आता है, ठीक है। पंचतरणी तक आपको गणेश टॉप से बिल्कुल ढलान आती है, जो कि आप सभी को बताना चाहेंगे कि 7 से 8 किलोमीटर का रेंज है और काफी मुश्किल भी है। आप सभी को बताना चाहेंगे पंचतरणी एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आप हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं। पंचतरणी पर आप हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ पालकी, घोड़ा, पिट्ठू सभी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी जो कि पवित्र गुफा तक रहेंगी। पंचतरणी आने वाले तीर्थ यात्री बालटाल और पहलगाम से पहुंचते हैं जो हेलीकॉप्टर से आते हैं। हालांकि पवित्र गुफा पर भी हेलीपैड बनाए गए हैं पर उन्हें शुरू नहीं किया गया है कुछ कारण के चलते। साथ ही आप सभी को बताना चाहेंगे पंचतरणी से पवित्र गुफा की जो दूरी है वो है 6 किलोमीटर की और इस दूरी को आप पालकी, घोड़ा से भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस अगर आप चलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहां पर घोड़ा और पालकी ले सकते हैं आराम से। यहां से पीछे कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाता, ना ही कोई बैटरी कार जाती है। और साथ ही इस तरह से आप पहलगाम रूट से पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं और इसमें आपको लगते हैं अगर आप चलने में अच्छे खासे हैं तो 2 दिन का समय आपको लगता है पवित्र गुफा तक पहुंचने में पहलगाम रूट से। अगर आप नॉर्मली चलते हैं तो आपको 3 से 4 दिन का समय लगता है पहलगाम रूट से। साथ ही बालटाल रूट से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री जो हैं उन्हें सेम डे भी रिटर्न हो सकते हैं, साथ ही 1 दिन में भी हो सकते हैं रिटर्न और जो भी है वो 2 दिन में भी रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। बालटाल छोटा रास्ता है, 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता है और खड़ा है, दुर्गम है, इसीलिए जो रास्ता है वो कठिन भी है और साथ ही छोटा भी है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि बालटाल से तीर्थ यात्री जो करते हैं यात्रा वह सेम डे भी रिटर्न ले सकते हैं, पर रास्ता जो है वो काफी खड़ा है, चढ़ाई वाला है और इसे एक ही दिन में यात्रा की जा सकती है पवित्र गुफा से बालटाल तक। और पहलगाम से जो यात्री जाते हैं उन्हें 3 से 4 दिन का समय लगता है। साथ ही आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, अगर आप चल नहीं पाते हैं तो पहले से ही 10 से 12 किलोमीटर आज से ही चलना शुरू कर दें। यानी कि हर दिन सुबह आप वॉकिंग करें जो आपको यानी कि सहायता देगी यात्रा में। अमरनाथ जी यात्रा काफी दूर है, यानी कि पवित्र गुफा जो है वो काफी दूर है। और इसके बाद आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप चलते हैं डेली 10 से 12 किलोमीटर तो आपको यात्रा में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल सकती। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चलते तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आपको काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यात्रा के दौरान गर्म कपड़े लेकर आए, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि जम्मू से किस तरह से पहलगाम और बालटाल जाएं, ठीक है। जम्मू भगवती नगर यात्री बेस कैंप है जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से, और आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आप श्राइन बोर्ड की मदद से यानी कि कॉनवाई के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप भगवती नगर रुक जाइए, ठीक है। शाम को यात्री बेस कैंप है, पूरी तरह से सुविधाएं हैं तीर्थ यात्रु के लिए। यहां पर आप रुकने के बाद सुबह कॉनवाई को 4 से 5 बजे के रेंज में घाटी की ओर रवाना किया जाता है पूरी प्रोटेक्शन के साथ, आर्मी की मदद के साथ। इससे क्या होगा कि आप सीधा पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना होंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ, जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है, ठीक है। पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से जाने के लिए कॉनवाई को रवाना किया जाता है। हालांकि आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वर्ष के लिए RFID कार्ड्स जरूरी हैं सभी तीर्थ यात्रियों के लिए, जिससे कि आपकी रेडियो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होंगे जिस तरह से माता वैष्णो देवी जी में बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको कितना खर्चा लगने वाला है यात्रा में, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है। अगर आप बाहरी राज्यों से आ रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि जम्मू टू जम्मू रिटर्न आपका अमरनाथ यात्रा में 3 से 4 हजार का खर्चा आता है, जो कि काफी कम है। अगर आप अपनी स्टेट से आ रहे हैं तो आप जम्मू का तय कीजिए, उसके बाद जम्मू टू जम्मू जो रिटर्न है वो 3 से 4 हजार का खर्चा है, जो कि काफी सस्ता है। और आप सभी को बताना चाहेंगे खाना बिल्कुल फ्री है भंडारे वालों की तरफ से और निशुल्क खाना दिया जाता है श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में। अमरनाथ यात्रा के दौरान इन बातों का जरूर ध्यान रखें, प्रकृति में देखभाल करें और गंदगी न फैलाएं, स्वच्छ यात्रा करें, स्वच्छ भारत मिशन का
जरूर सहयोग करें। कहा जाता है कि प्रकृति के कण कण में भगवान शिव का वास है। और मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री अमरनाथ जी।